हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है बीएस क्लासेस में। और आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। और पहली खबर है, नव नियुक्त शिक्षकों का होगा ऑनलाइन स्कूल आवंटन। परसदी स्कूल की 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में आहार मिलने वाले 30,235 चयनितों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। सभी जिलों में चयनित शिक्षकों के स्कूल का आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमाने तरीके से उन्हें स्कूल आवंटित नहीं कर सकेंगे, बल्कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है वहां चयनितों को भेजा जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए राइट साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली सूचना यह है कि डीएलएड में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को अब देनी होगी परीक्षा। दोस्तों, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में उन प्रशिक्षुओं को राहत नहीं मिली है जो किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं। ऐसे प्रशिक्षुओं को माह के अंत में शुरू हो रही परीक्षा देना होगा। यह जरूर है कि परीक्षा संस्था द्वारा 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर का इम्तिहान जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में करा लेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगली सूचना है, माध्यमिक कॉलेज आवंटन की काउंसलिंग 21 को। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2013 के रिक्त 296 पदों पर अवशेष पैनल से शिक्षक चयन होना है। प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से 302 शिक्षकों का कॉलेज आवंटन हो चुका है, जबकि 3 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवंटन किया है। कोर्ट के आदेश पर निदेशालय इसी माह 86 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करेगा। उनमें से वे अभ्यर्थी 21 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं जिन्हें संबंधित कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिल सकी है, उनका अब नए सिरे से कॉलेज आवंटन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, बीएड वालों के लिए एक सूचना है, 19 से प्रस्तावित बीएड काउंसलिंग हुई स्थगित। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिल के लिए होने वाली काउंसलिंग एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। 19 अक्टूबर से प्रस्तावित काउंसलिंग के स्थगित किए जाने के बाद अभी नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 21 सितंबर को प्रस्तावित काउंसलिंग की तिथि को बढ़ाकर 19 अक्टूबर कर दिया था। बीएड प्रवेश समन्वयक प्रो अमिता वाजपेयी के मुताबिक अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग स्थगित की गई है। हेलो फ्रेंड्स, अगली सूचना लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। एडेड डिग्री कॉलेज में प्राचार्य भर्ती का प्रवेश पत्र जारी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज के लिए प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा 29 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शनिवार को अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। सचिव का कहना है कि प्रतियोगी आयोग के पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगली सूचना है आज के समाचार पत्रों में कि 19 अक्टूबर से सभी शैक्षणिक बोर्ड के विद्यालय खुल जाएंगे। स्कूलों में बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यालयों में बच्चों के पास यदि मास्क नहीं होगा तो उन्हें मास्क देने की भी तैयारी की जाएगी, अर्थात कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।